वेलकम टू एग्ज़ाम भी बीच में। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, हाल ही में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला में पीएचडी हिंदी प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया गया था। ठीक है, तो जो ये जो वीडियो रहेगा, यहाँ पर हम इसे स्मृति बेस पर देखेंगे कौन कौन से प्रश्न आए हुए थे और छोटे प्रश्न में कौन से आए थे और बड़े प्रश्न में कौन से आए थे। ठीक है, ज़्यादा प्रश्न तो मुझे नहीं मिल पाए हैं, जितने भी मिले हैं उनको आपके साथ में साझा करना चाहूँगा। ठीक है, बाकी देखिए, थोड़े मेरे बैकग्राउंड में फ़ैन का शोर आपको सुनाई दे रहा होगा, तो आप उसे इग्नोर करिए, मेरी वॉइस पे ज़्यादा फोकस करिएगा। ठीक है, बाकी काफ़ी समय पश्चात आपको वीडियो भी ला रहा हूँ, इसके लिए भी क्षमा प्रार्थी हूँ। कुछ अपनी निजी कारण के कारण थोड़ा व्यस्त हो गया था, जिस कारण आपको वीडियो उपलब्ध नहीं करवा पाया था। ठीक है, फिर देखिएगा, ये जितने प्रश्न होंगे सारे स्मृति बेस्ड भी होंगे या स्मृति पर आधारित हैं। सारे प्रश्न हमें नहीं मिले थे, ठीक है, जितने भी मिले हैं वो आपको बता देता हूँ। ये वीडियो इसलिए आपके समक्ष लाया हूँ, इसका औचित्य ये है कि मान लीजिए आप किसी भी, अगर आपका पीएचडी में एनरोलमेंट होना होगा, अगर आप कहीं पर एडमिशन लेना चाहते हैं, आप लोगों का नेट क्रैक है या फिर सेट है या फिर एमए बेस पर अगर आप लोग कहीं पर एडमिशन लेना चाहते हैं, तो इसी तरह का जो पैटर्न होता है वो परीक्षा में पूछा जाता है, इसलिए आपके समक्ष ये प्रश्न लाया हूँ। साथ में देखिए, जो जेआरएफ होता है, जिनका जेआरएफ होता है ना, तो उनको तो डायरेक्ट मिल जाती है एडमिशन, उन्हें एंट्रेंस देने की ज़रूरत नहीं होती है। परंतु जो ये वाला टेस्ट था, ये वाला जो एंट्रेंस था पीएचडी के लिए, इसमें चाहे जिसका जेआरएफ था उसको भी परीक्षा देनी भी थी, चाहे जिनका नहीं था उनको भी देनी थी, सभी के लिए ये ज़रूरी था टेस्ट देना। ठीक है, तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। बाकी देखिए, यहाँ पर सारी चीज़ें आपको ये भी बता देता हूँ कि मान लीजिए, आपको बता देता हूँ प्रश्नों की संख्या इस परीक्षा में कितनी है। जो प्रश्नों की संख्या यहाँ पर थी, दो तरह से, पार्ट ए था और पार्ट बी, दोनों समझा देता हूँ। पार्ट ए में आपको एमसीक्यू बेस्ड पे, अर्थात मल्टीपल चॉइस बेस्ड जो क्वेश्चन थे, उसमें 40 क्वेश्चन पूछे गए थे, सभी एक नंबर का था, ये हर एक प्रश्न का एक अंक था। और जो पार्ट बी था, इसमें आपको दो प्रश्न करने थे, विकल्प में आपके पास चार थे, इनमें से आपने दो सिलेक्ट करने थे, वो थे आपके पास, हर एक प्रश्न 20 नंबर का था, तो दोनों ये कितने हो गए, 40 नंबर के ये हो गए। ठीक है, 40 का ये हो गया, 40 का ये, टोटल हो गया था 80 नंबर का प्रश्न पत्र था ये सारा आपका। ठीक है, और साथ में ये भी स्पष्ट कर देता हूँ, यहाँ पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। ठीक है, जितने मर्जी प्रश्न कर देते आप, तो इसमें नेगेटिव आपको कुछ नहीं लिखना था। और रही समय की बात, तो समय आपके पास इसका 2 घंटे था, 2 घंटे आपके पास समय था। तो यहाँ से मैंने जो आपको पूरा इसका पैटर्न था, कितना समय लगना था, कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, नेगेटिव मार्किंग थी क्या नहीं, ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर आपको समझा दी। इसके पश्चात भी अगर आपके कोई डाउट रहते हैं, तो आप मुझे व्हाट्सएप करिए या फिर कमेंट करिएगा, मैं आपके जितने भी क्वेरी होगी उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, बाकी देखिए, अगर आपको ये जो पीडीएफ चाहिए, ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप इन प्रश्नों को भी देख सकते हैं। क्योंकि जो बड़े क्वेश्चन हैं उनको मैं यहाँ पर ज़्यादा नहीं डिस्क्राइब करूँगा, प्रश्न पढ़ूँगा, बाकी आप इसे ज़्यादा देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। ठीक है, चलिए, बाकी देखिए, ये प्रश्न पत्र इसलिए भी लाया हूँ, चाहे आप लोग एलटी टैट की प्रिपरेशन कर रहे हों, एलटी टैट, या फिर आप लोग एलटी कमीशन की प्रिपरेशन कर रहे हों, या फिर आप पीजीटी हिंदी की प्रिपरेशन कर रहे हों, सभी जगह आपको ये प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, तो इसलिए आपने इसे देखना है, आपको यहाँ से लाभ ही मिलेगा, कोई नुकसान नहीं होने वाला है। हाँ, देखिए, यहाँ से एक और चीज़ आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। देखिए, हाल ही में एक एडवर्टीजमेंट जारी कर दी गई थी, पूरी तरह से तो ऑफिशियल नहीं है, परंतु कैबिनेट में से प्रस्तावित कर दिया गया है, कैबिनेट में से पारित कर दिया गया है, अभी कैबिनेट में भी पारित नहीं किया है। ऐसे कह रहे हैं कि जो कुछ पोस्टें निकलनी हैं, तो उसमें एलटी कमीशन की भर्ती नहीं है। बहुत से बच्चे मुझे मैसेज कर रहे हैं कि सर, अब क्या कर दिया जाए, हमारे पास तो कोई अब और सुविधा है ही नहीं, और कुछ आगे करने के लिए तो है ही नहीं, तो बच्चे बड़े कंफ्यूज हैं। तो जहाँ तक आप मेरा विचार जानना चाहते हैं, कृपया धैर्य बनाए रखिए, एलटी कमीशन भी आएगा, आप अपनी तैयारी करते रहिए,
इससे पहले आपको पीजीटी हिंदी देखने के लिए मिलेगा, तो आप लोग जो जो योग्य हैं तो वो पीजीटी हिंदी की प्रिपरेशन भी करें। बाकी देखिएगा, अब आपके टेट की परीक्षा भी आने वाली है, तो फॉर्म भी इसके फिल होने वाले ही होंगे। तो जो जो बच्चे जिनका टीजीटी आर्ट्स का टेट क्लियर नहीं है, तो जल्द से जल्द इसे भर दीजिएगा, क्योंकि इसकी पोस्टें आपको देखने के लिए मिलेंगी। जब तक आपको एलटी कमीशन नहीं देखने के मिलता, तब तक आप इसकी प्रिपरेशन करिए, आपको यहाँ से कोई नुकसान नहीं होगा। क्या पता आपका भाग्य टीजीटी आर्ट्स के कमीशन में ही लिखा हो, ठीक है। फिर भी अगर आपकी कोई डाउट रहते हैं तो आप मुझे अवश्य व्हाट्सएप करिए, आपके साथ कुछ भी जो समस्या होगी उसको सॉल्व करने की मैं कोशिश करूँगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। फिर से कहूँगा कि सारे के सारे हैं स्मृति बेस्ड, मेमोरी बेस्ड हैं, जिन्होंने मुझे बताए मैंने यहाँ पर हू बहू लिख दिए। तो यहाँ पर देखिए, पहला प्रश्न आपसे ये पूछा गया था कि पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। आपके समक्ष विकल्प दिए थे बहुत सारे, इनमें से एक विकल्प ये भी था कि पूर्वी हिंदी की बोली कौन सी नहीं होगी। तो इसमें जो नहीं होनी थी तो वो होनी थी बुंदेली, ठीक है। बुंदेली यहाँ पर सही विकल्प होना था। बाकी यहाँ पर अवधी भी दिया गया था, बघेली भी दिया गया था, छत्तीसगढ़ी भी दिया गया था। तो जो सही विकल्प होना था तो वो था जो बुंदेली है, यह आपकी पूर्वी हिंदी की नहीं है। अगर पूछा जाएगा भविष्य में आपसे कि जो बुंदेली है ये किसकी उपबोली है, तो ये होना था पश्चिमी हिंदी की, ठीक है, पश्चिमी हिंदी की। तो फिर यहाँ से ये भी प्रश्न बन सकता है कि जो हमारी कितनी उपभाषाएं हैं, तो ये होंगी पांच, पांच हमारी उपभाषाएं हैं। कौन कौन सी? राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी और पहाड़ी, ये पांच हो गई हमारी हिंदी की उपभाषाएं। फिर जो उपबोलियां या फिर बोलियां थी, तो इसमें जो पश्चिमी हिंदी की हम बात कर रहे हैं, तो इसमें आएगी कौरवी या फिर खड़ी बोली, बांगरू या फिर हरियाणवी। ये दोस्तों विकल्प इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये प्रश्न पूछे जाते हैं, पूछा जाएगा आपसे कि जो खड़ी बोली का अन्य नाम क्या है, तो ये कौरवी होगा, या फिर कौरवी का अन्य नाम क्या है, तो ये खड़ी बोली होगा। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि हरियाणवी का दूसरा नाम क्या है, तो ये बांगरू होगा, या फिर बांगरू का दूसरा नाम क्या है, तो ये हरियाणवी होगा। तो कौन कौन सी होगी? कौरवी, बांगरू, ब्रजभाषा, बुंदेली और कन्नौजी। तो यह है पश्चिमी हिंदी की बोलियाँ, और पूर्वी हिंदी की तो मैंने आपको बता दिया ABC, ABC से मतलब ए से अवधि, बी से बघेली, सी से छत्तीसगढ़ी। फिर अगला प्रश्न यहाँ पर यह पूछा गया था, निम्न में से किसका संबंध लोक साहित्य से नहीं है। तो यहाँ पर लोक साहित्य का प्रश्न बना हुआ था, तो जो चौथा विकल्प तो मुझे पता नहीं चल पाया है, परंतु ये तीन विकल्प यहाँ पर थे, प्रगीत, नौटंकी, स्वांग। जो नौटंकी और सवांग है ये तो लोक साहित्य से संबंधित है, परंतु जो प्रगीत है ये किसी भी तरह से लोक साहित्य से संबंधित नहीं होगा। तो सही विकल्प यहाँ पर प्रगीत होना था, जिसने भी इसका चयन किया होगा तो वो यहाँ से भी अपने अंक प्राप्त कर लेगा। फिर जो अगला प्रश्न पूछा गया था, तीन, चक्रव्यूह किसका काव्य संग्रह है। तो विकल्प में मुझे पता नहीं कौन कौन से पूछे दिए गए थे, परंतु जो जिसने भी कुंवर नारायण पर टिक किया है तो वो सही हो जाएगा यहाँ पर, कि जो चक्रव्यूह है ये कुंवर नारायण का काव्य संग्रह है, और ये इनका प्रथम कविता संग्रह भी स्वीकार किया जाता है, ठीक है। बाकी के तथ्य भी यहाँ पर दिए गए हैं, इनको भी आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। अगला जो प्रश्न यहाँ पर बना था, तो ये बना था, सूरसागर किस शैली में लिखा गया है। सूरसागर सूरदास की रचना है सूरसागर, तो देखिएगा ऐसा बोल रहे हैं, तो यहाँ पर गति लिख दिया था गलती से, गति, गति शैली, तो थोड़ी सी मिस्टेक तो ये बोर्ड वालों से हो गई होगी कि जल्दबाजी में उन्होंने गति कर दिया, तो गति तो यहाँ पर नहीं होना था, गीत शैली होना था, बाकी कोई दोहा था, चौपाई था, ये तो नहीं होने थे, ठीक है। सही गति वाले को ही स्वीकार किया जाएगा, मिस्टेक कई बार हो जाती है, ठीक है। फिर देखिएगा, यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले आपको बता देता हूँ, अगर आप लोगों में से कोई भी आपका नियर डियर हो या फिर आप स्वयं हो,
अगर आप लोग एल टी टैट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, एल टी टैट 2023, अभी काफ़ी समय आपके पास परीक्षा हेतु बचा हुआ है। अगर आप लोग तैयारी करना चाहते हैं तो जल्द से जल्द हमारा एक बैच शुरू हो गया है, उसमें आप एनरोल हो सकते हैं। आपको पूरे 40 दिनों में सारा सिलेबस करवाया जाएगा। एल टी टैट का क्रैश कोर्स चला हुआ है, आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं और अपनी सफलता को सुदृढ़ कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, जितने भी बैच हमने आज से पहले चलाए हैं उन सभी में अधिकतर बच्चों के टैट क्लियर हो चुके हैं, और आप लोग भी अगर अपनी सफलता को सुदृढ़ करना चाहते हैं तो जल्द से जल्द आप इन बैच में एनरोल होइएगा और अवश्य लाभ उठाइएगा। चाहे आपके कोई मित्र हों या फिर रिलेटिव हों जो चाहते हैं कि अपना टैट क्लियर करें, काफ़ी समय से उनका टैट नहीं हो रहा, तो आप उन्हें ये प्लेटफॉर्म सुजेस्ट कर सकते हो। तो जुड़ने के लिए आप उन्हें ये नंबर बता सकते हो, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8219312129। ये जो नंबर है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उपलब्ध करवाया गया है, ठीक है। तो जो जो यहाँ पर आपको लिंक दिए गए हैं या फिर नंबर दिए गए हैं, कोई भी आपकी क्वेरी रहती है जुड़ने से संबंधित तो आप जुड़ जाइएगा, काफ़ी लाभ आपको इनसे जुड़ने से मिल जाएगा। फिर देखिए, अगला प्रश्न है, काफ़ी चर्चित प्रश्न रहता है ये अक्सर परीक्षा में, इसमें क्या पूछा गया था। तो प्रश्न आपसे ये बना था, अबारा मसीहा के की विदा है, तो बताना है कि जो अबारा मसीहा है, मैं देखिए काफ़ी बार आपको जोर देकर कहता था कि जो विदा पर आपने फोकस करना है, तो यहाँ से सीधा सीधा सा प्रश्न विदा से बना था कि जो अबारा मसीहा है इसकी विदा क्या है, तो यह है जीवनी विदा पर आधारित रचना। अगर आपसे ये प्रश्न बने कि ये इस पर किसकी जीवनी वर्णित है, तो जो बंगला लेखक थे शरदचंद्र, उनकी इसमें जीवनी वर्णित है। फिर अगला प्रश्न यहाँ पर यह बना था पाश्चात्य काव्यशास्त्र से कि जो उदात्तवाद है ये किसकी देन है। सिंपल से प्रश्न थे, ज़्यादा टफ प्रश्न नहीं थे। तो मुझे तो लगता है कि अधिकतर बच्चों ने ये जो 40 में से 40/40 तो ले ही लिया होगा, जहाँ तक मुझे लगता है, श्योरिटी नहीं। आप अवश्य बताइएगा अगर आप लोगों ने दिया है तो आपके इनमें से कितने सही हुए होंगे, 40 में से आपके कितने सही बन रहे हैं। आप लोगों ने अवलोकन तो किया ही होगा, ठीक है। तो एक तरह से आपके लिए ये आंसर की भी है, उत्तर तालिका भी है, साथ में आपके लिए भविष्य के लिए एक मार्ग प्रदर्शिका के तौर पर भी वीडियो काम करेगा कि अगर आप लोग पीएचडी हिंदी की प्रवेश परीक्षा देने जाते हैं तो किस प्रकार से आप एचपीओ में ये फेस कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। अगर आप हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला में पीएचडी का एंट्रेंस देना चाहते हैं, उसके लिए भी मैंने वीडियो बनाया है, तो उसको भी आप विजिट कर सकते हैं। और अगर HPO के लिए करना चाहते हैं तो HPO में इस तरह का पैटर्न होता है, ये भी मैंने आपको बता दिया है। तो चर्चा कर रहे थे हम, उदात्तवाद किसकी देन है। तो जो उदात्तवाद है ये लुंजाइनस की देन है, ठीक है, लुंजाइनस। दूसरा प्रश्न भी पाश्चात्य काव्यशास्त्र से संबंधित था, इसमें पूछा गया था आपसे पाश्चात्य काव्यशास्त्र में आदि आचार्य किसे माना जाता है, तो ये माना जाता है प्लेटो को। इसको प्लेटो को। अगला प्रश्न था औचित्य संप्रदाय किसका है, तो जो औचित्य संप्रदाय है ये क्षेमेंद्र का होगा। किसका? क्षेमेंद्र का। अगला प्रश्न बना था आपसे दशम ग्रंथ किसकी रचना है, दशम ग्रंथ किसकी रचना है, तो जो दशम ग्रंथ रचना होगी तो ये सिखों के 10वें गुरु थे गुरु गोबिंद सिंह, इनकी रचना होगी दशम ग्रंथ। पूछा जाता है सिखों की स्थापना किसने की थी, सिखों की स्थापना किसने की थी, तो ये की थी आपकी गुरु नानक देव के द्वारा। अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ पर ये बनेगा, नई कविता के प्रतिमान किसकी रचना है, नई कविता के प्रतिमान, तो जो नई कविता की प्रतिमान है ये होगी डॉक्टर नामवर सिंह की आलोचनात्मक कृति, ठीक है, डॉक्टर नामवर सिंह की आलोचनात्मक कृति हो जाएगी, इसको भी ध्यान रखना है आपने। फिर अगला प्रश्न है रीति काव्य की भूमिका ये किसकी रचना है, आलोचनात्मक पुस्तक होगी ये भी, तो ये हो जानी थी डॉक्टर नगेंद्र की रचना, ठीक है, डॉक्टर नगेंद्र की। इसके पश्चात अगला जो प्रश्न पूछा गया था पीली आंधी किसकी रचना है,
तो जो पीली आंधी है ये होगी प्रभा खेतान की रचना। किसकी? प्रभा खेतान की। फिर आओ पेपे घर चलें, छिन मस्ता छिन मस्ता, पीली आंधी, अग्नि संभवा, तालाबंदी, अपने अपने चेहरे, यह भी इन्हीं की रचना होगी प्रभा खेतान की। फिर अगला प्रश्न है, सदियों का संताप किसका काव्य संग्रह होगा? तो दलित साहित्य से संबंधित ये काव्य था, तो जो सदियों का संताप है ये ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की रचना हो जाएगी। ये यहाँ पर सही विकल्प चयनित होगा। तो कुछ है कि ये देखिए यहाँ पर कितने, तो ये 13 प्रश्न थे आपके समक्ष, किसी तरह से मैं ले आया। वैसे तो बहुत ही मुश्किल से ये प्रश्न मिले हैं, मैं चाहता था कि आपका थोड़ा सा पथ प्रदर्शन का कार्य करूं, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो पीएचडी में काफ़ी इंटरेस्ट लेते हैं कि परीक्षा दें और ज्वाइन कर लें, परंतु किसी कारणवश उन्हें ये नहीं पता होता है कि उन्हें किस प्रकार की तैयारी करनी होती है। तो आपकी तैयारी हेतु ही मैं लाया हूँ। आगे कभी आप देना चाहते हैं, इंटरेस्ट रखते हैं, तो इस पूरे पैटर्न पर आप तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। फिर देखिए जो बड़ा था, बड़े प्रश्न यहाँ पर जो याद हैं वही बताऊँगा। पहला प्रश्न तो ये था कि जो भक्ति काव्य आंदोलन में सामाजिक पृष्ठभूमि वर्णित करनी थी, भक्ति काव्य आंदोलन में सामाजिक पृष्ठभूमि, काफ़ी बड़ा प्रश्न लिखना था क्योंकि 20 नंबर का ये प्रश्न था। फिर दूसरा प्रश्न यहाँ पर था, स्वतंत्रोत्तर हिंदी उपन्यास पर निबंध लिखना था। स्वतंत्रता के पश्चात जो हिंदी उपन्यास लिखे गए थे उन पर आपने निबंध वर्णित करना था, तो दूसरा प्रश्न ये था। तो इस प्रकार से आपके समक्ष ये दो बड़े प्रश्न रखे गए थे, एक तो ये वाला था, दूसरा ये वाला, ठीक है। तो 20-20 नंबर के थे, इसी हिसाब से आपने इनको करना भी था, ठीक है। तो जिन्होंने परीक्षा दी होगी बताइएगा आपने कौन कौन से प्रश्न किए, कैसे किए, क्या पूरे किए गए हैं या नहीं किए गए हैं, ठीक है, कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा है, तो अवश्य आप लोग कमेंट करिएगा जिन्होंने ये परीक्षा दी होगी, ताकि जो भविष्य में इस तरह की परीक्षा देना चाहते हैं उनका कैसा मार्गदर्शन आप करना चाहेंगे ये आप पर निर्भर रहता है, परंतु कमेंट अवश्य कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखिए सारा प्रश्न आपको डिस्क्राइब किए गए हैं, ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वहाँ पर जाकर आप इसे देख सकते हैं। तो ठीक है, अब यहाँ पर अपनी वीडियो का समापन कर लेते हैं। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहे इसका बहुत बहुत धन्यवाद।